यूनिट नाइन हाइड्रोजन हाइड्रोजन मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का और थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है अगर हम ग्लोब की सरफेस की बात करते हैं ठीक है अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो ये थर्ड मोस्ट अबेंडेंट है अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स के अंदर ये मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है ठीक है हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है अगर हम नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो उनमें से हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका ठीक है एटॉमिक फॉर्म में ये एक प्रोटोन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है हाव एवर हालांकि एलिमेंटल फॉर्म में ये एच टू की एच टू मालिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ठीक है डाई हाइड्रोजन एज ए डाई हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करता है देन इट फॉर्म्स मोर कंपाउंड ये ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के कम्पेरिजन में ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ठीक है बात करते हैं पोजीशन की कि हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ होती है तो हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का हालांकि इसका जो प्लेसमेंट था पास में पास्ट में बहुत ज़्यादा इसका इसकी पोजीशन को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन रहा है कि कहाँ रखना है कहाँ नहीं क्योंकि ये बहुत ही पिक्यूलियर बिहेवियर शो करता है ठीक है तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये वन एस वन होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर है अगर हम एलकली मेटल के रेस्पेक्ट में देखें क्योंकि एलकली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होता है एन सेम उसी तरीके से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है वन ठीक है तो एलकली मेटल जो कि पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं वहीं हम बात करें हाइलोजन की तो हेलोजन का होता है एन एस टू एन पी फाइव जो कि सेवनटीन ग्रुप से पीरियोडिक टेबल के सेवेंटीन ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इनके अंदर क्या है सिर्फ़ एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है आ, अगर वो इलेक्ट्रॉन आ जाए इनके पास तो हो जाए एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या हो जाएगा नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन हो जाएगा ठीक है जैसे हीलियम की बात करें हीलियम नोबल गैस है वन एच टू ठीक है तो एन एच टू एन पी फाइव हेलोजिन का कॉन्फिगरेशन है और इनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो, होती है टू कम्प्लीट देयर आपटेट तो हाइड्रोजन इसी वजह से रिसम्बरेंस शो करता है एल्कारी मेटल के साथ भी और साथ में किसके साथ हेलोजिन के साथ भी एल्कली मेटल की तरह हाइड्रोजन ऑक्साइड हेलाइड और सल्फाइड की का फॉर्मेशन करता है लेकिन अगर हम बात करें विद रेस्पेक्ट टू आइनाइजेशन एंथेल्पी तो ये डिसिमिलर है इन विद रेस्पेक्ट टू एल्कली मेटल क्योंकि आइनाइजेशन इंथेलपी एल्कली मेटल्स की बहुत ज़्यादा कम होती है मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर, कर देते हैं लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन की काफ़ी ज़्यादा आइनाइजेशन इंथेलपी होती है ठीक है और ये जो है हाइड्रोजन uh, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक भी अंडर नॉर्मल कंडीशन पोजेस नहीं करता है इनफैक्ट अगर हम आइनाइजेशन एंथेरपी के टर्म्स में बात करें तो हाइड्रोजन हेलोजिन में ज़्यादा रिसम्बलेंस शो करता है जैसे आइनाइजेशन एंथेलोपी लिथियम की के दिए फाइव ट्वेंटी किलोजूल मोल फ्लोरिन की वन सिक्स एट जीरो किलोजूल परमोल वहीं हम हाइड्रोजन की बात करें तो वन थ्री वन टू किलोजूल परमोल तो यहाँ देख सकते हैं आप कि हाइड्रोजन रिसम्बलेंस इन रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू आइनाइजेशन एंथेरेपी शो कर रहा है किसके साथ हाइड्रोजन हेलोजन uh, के साथ ठीक है हाईड्रोजन की तरह ये डा, डाय डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है कंबाइन हो जाता है एलिमेंट से हाइड्राइड बना लेता है फिर और भी कोवेलिन कंपाउंडस का फॉर्मेशन कर लेता है हाइड्रोजन ठीक है और ये जो ये जो इनकी करेक्टरिस्टिक है हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन कोवेलिन कंपाउंड का फॉर्मेशन हाइड्रोजन बना लेता है तो ये एक हेलोजन के रिसम्पलेंस शो कर रहा है कि हाइलोजन भी ये काम कर लेते हैं डाई एटोमिक मालिक्यूल का फॉर्मेशन कोवाल कंपाउंड का फॉर्मेशन हालांकि इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी इट इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू हेलोजन अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो ये हेलोजन के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कम हो रिएक्टिविटी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हेलोजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होता है ठीक है तो इन सब फैक्ट के बावजूद कि काफ़ी हद तक ये हाइड्रोजन अल्कली मेटल के साथ भी रिसम्बलेंस शो करता है साथ में महालोजन के साथ भी लेकिन ये उनसे काफ़ी रेस्पेक्ट में डिफ़र भी करता है ठीक है तो एक पॉटीनेंट क्वेश्चन ये राइज होता है तो किसकी इसकी टेबल में कहाँ रखना चाहिए ठीक है कौन सी जगह पर टेबल को रख रखे क्योंकि ये अल्कली मेटल के साथ रिसम्बलेंस भी शो कर रहा है साथ में महलोजन के साथ भी और कुछ एस्पेक्ट में ये डिफ़र भी है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब पहले था कि इसको कहाँ रखेंगे अगर हाइड्रोजन आइटम में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है तो उससे न्यूक्लियस में बनता है एच आयन का वो आता है साइज़ दिया है वन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस्ट पर माइनस थ्री पिकोमीटर साइज़ ये एक्सट्रीमली स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एटॉमिक साइज़ तो इसी एज अ कंज्यूकुनस एच आयन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता और हमेशा और आइटम के साथ या फिर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट रहता है ठीक है इसी की वजह से एच आयन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ इस वजह से ये यूनिक होता है बिहेवियर में और इसी वजह से इसको अलग ही सेपरेटली इसको रखा गया है ठीक है क्या तो फिर इसको किसी के साथ नहीं रखा गया बल्कि क्या रखा गया बिल्कुल अलग ही प्ले मतलब हाइड्रोजन का आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का और उसको किसी भी ग्रुप में ऐसे नहीं रखा जाता वो बिल्कुल अलग है सबसे तो हम बात करते हैं हम हाइड्रोजन की तो तो डाई हाइड्रोजन क्या है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का यूनिवर्स के अंडर यूनिवर्स यूनिवर्स के अंदर देखें हम तो ये क्या है डाई हाइड्रोजन मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है लगभग सेवेंटी परसेंट टोटल मास यूनिवर्स का ये ऑक्यूपाई करता है और प्रिंसिपल एलिमेंट है सोलर एटमॉस्फेयर का ठीक है जियान प्लानट जैसे जुपिटर और सैटन के अंदर ज़्यादातर हाइड्रोजन ही होती है लेकिन लाइट नेचर की वजह से ये लेस अबेंडेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में ठीक है ये सब जगह आप खुद खुद से पढ़ें अब बात करते हम आइसोटोप्स की कि हाइड्रोजन के क्या क्या, क्या आइसोटोप्स होते हैं तीन आइसोटोप होते हैं प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइडियम ठीक है आप क्या गैस कर सकते हैं कि यह आइसोटोप आपस में कैसे है डिफर हैं तो हम कहेंगे कि आपस में आप न्यूट्रॉन की प्रेजेंस से डिफर है कि इसमें जैसे हाइड्रोजन की बात करें ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जैसे प्रोटियम कहते हैं उसके अंदर सिर्फ एक न्यूट्रॉन होता है ड्यूटेरियम के अंदर एक न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटियम के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है प्रोटियम के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है ड्यूटेरियम के अंदर एक होता है ट्राइटियम के अंदर दो होते हैं ठीक है प्रिडामिनट फॉर्म की बात करें अगर हम अगर हम प्रिडामेंट फॉर्म की बात करें प्रोटियम की प्रोडान फॉर्म जो हाइड्रोजन की है वो प्रोटियम है टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन के अंदर जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव सिक्स परसेंट ड्यूटेरियम मोस्टली इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ठीक है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम की फॉर्म में टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन एक्जिस्ट करता है जो हमारा ड्यूटेरियम है वो ज़्यादातर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ट्राइटियम की कंसनट्रेशन की बात करें तो लगभग वन एटम पर टेन टू पावर एटीन एटम्स अगर आपने टेन टू पावर एटीन एटम्स प्रोटीन के लिए हैं तो उसमें ट्राइटियम की कंसनट्रेशन क्या होगी लगभग एक एटम तो इन आइसोटोप में से ट्राइटियम रेडियो एक्टिव होता है और एमिट करता है लो एनर्जी बीटा पार्टिकल ठीक है रिलेटिव अपडेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम की हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा है फिर ड्यूटेरियम फिर ट्राइटियम अटामिक देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन फिर ड्यूटेरियम फिर ट्राइटियम बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ट्राइटियम का सबसे ज्यादा है फिर ड्यूटेरियम का फिर उसके बाद हाइड्रोजन का लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का जस्ट अगर हम देखें तो कुछ हाँ बॉइलिंग पॉइंट का भी ऐसे ही है ट्राइडियम का सबसे ज्यादा फिर ड्यूटेरियम फिर उसके बाद हाइड्रोजन डेंसिटी ट्राइडियम की ज्यादा फिर ड्यूटेरियम फिर हाइड्रोजन ऑफ़ फ्यूजन ये सब आप देख लें कुछ। हाँ अगर हम एंथेल्पिया बॉन्ड एसोसिएशन की बात करें तो इसकी ड्यूटेरियम की 443 है और हाइड्रोजन की 435 है दैट मीन्स ड्यूटेरियम की अंधार पे डिसोसिएशन एसोसिएशन ज़्यादा है ये याद रखें बॉन्ड एसोसिएशन ड्यूटेरियम की ज़्यादा है एज compared टू हाइड्रोजन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करें तो दोनों की सेम है सेवेंटी 74 74.14। फोर ठीक है अब बात करते हैं हम चूंकि आइसोटोप की सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है इस वजह से उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ओनली डिफरेंस उनका रेट ऑफ रिएक्शन में होता है वो भी क्यों बॉन्ड डिसोसिएशन एंथेल्पी के डिफरेंस की वजह से अभी हमने ऊपर देखा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथेल्पी किसकी ड्यूटेरियम की ज़्यादा है बनस्पत हाइड्रोजन के तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती है ड्यू टू तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकिन डिफरेंस होता है रेट ऑफ रिएक्शन में ड्यू टू द डिफरेंट बॉन्ड एनथेरपी बॉन्ड डिसोसिएशन एनथेरेपी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये आइसोटोप डिफर करते हैं कंसीडरेबली ड्यू टू द लार्ज मास डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो भी काफ़ी डिफर करती है uh, डिफर करती है कंसीडरेबली थोड़ा सा ठीक है वो भी उनके लार्ज मास डिफरेंस की वजह से मास डिफरेंस काफ़ी वेरी करता है बात करते हैं हम डाई हाइड्रोजन की प्रिपरेशन की तो सबसे पहले लेबोरेटरी प्रिपरेशन इसके अंदर आप जिंक की रिएक्शन ग्रेन्यूलेटेड जिंक की रिएक्शन एच से करा दें यहाँ से आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी सेकेंड प्रिपरेशन है तो जिंक की रिएक्शन बेस से करा दीजिए एन्यो से तो सोडियम जिंकेट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन मिल जाएगा कमर्शियल प्रोडक्शन की बात करें रहा हाइड्रोजन की तो कमर्शियल प्रोडक्शन में आप देखें इलेक्ट्रोलाइज कर दी इलेक्ट्रोलाइसिस कर दीजिए एसिडिफाइड वाटर की प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की मदद से तो यहाँ से आपको वाटर का इलेक्ट्रोलाइज एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगी हाई प्योरिटी की बात करें हाइड्रोजन किस तरीके से मिलता है तो वार्म एकुअस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को निकल इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस के में आप क्या कर दें डाईहाइड्रो अगर आपको हाई प्योरिटी डाईहाइड्रोजन चाहिए तो आप क्या करें वार्म एकोस बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लें और निकल इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में इसका इलेक्ट्रोलाइज कर दीजिए ठीक है वॉम बेरियम हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइज करते हैं इलेक्ट्रोलिस ये एज अ बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में भी मिलता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की क्या हो रही हो मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो तो ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिस कर दिया जाता है जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन मिलता है मतलब इनकी सिंथेसिस के लिए ब्राइन सॉल्यूशन का ब्राइन uh, सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलिस करना करना होता है और एज अ बायो प्रोडक्ट आपको हाइड्रोजन भी मिल जाती है जैसे अनोर पर बात करें तो क्लोरिन ऑक्सीडाइज हो जाती है सी माइनस ऑक्सीडाइज हो जाता है क्लोरीन में कैथोड पे रिडक्शन होता है वाटर रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन में और ओ एच माइनस में ठीक है अगर स्टीम की रिएक्शन हाइड्रोकार्बन या फिर कोक पर कराएं हाई टेम्परेचर पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो तब भी हमें क्या मिल जाता है हाइड्रोजन कैसे बात कर क्या बता रही हूँ मैं अगर कोक या फिर हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन किससे करा दे स्टीम के साथ करा दे एट हाई टेम्परेचर और वो भी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो क्या मिल जाता है हाइड्रोजन मिल जाता है जैसे यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है सी एन एच टू एन प्लस टू एन एच टू ओ प्लस एन सी ओ टू एन प्लस वन एच टू तो यहाँ पर जैसे यह रिएक्शन देखिए मीथेन की हाइड्रोकार्बन है इसकी रिएक्शन इस्टीम से करा दी है टेम्परेचर काफ़ी हाई है वन टू सेवन जीरो कैलविन इन जो निकल कैटलिस्ट आपको मिल जाता है कार्बन मोनॉक्साइड कार्बन मोनाक्साइड साथ में हाइड्रोजन ये जो मिक्सचर है कार्बन और हाइड्रोजन का इसको कहते हैं वाटर गैस और ये मिक्सचर कार्बन मोनाक्साइड और हाइड्रोजन का जिसको वाटर गैस कह रहे हैं इसका सिंथेसिस मीथेनॉल और और भी काफ़ी सारे हाइड्रोकार्बन के सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है इसी वजह से इसको सिंथेसिस गैस या फिर गैस कहते हैं जो मिक्सचर है कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जिसको वाटर गैस भी कहते हैं क्योंकि इस गैस इस, इस मिक्सचर को इस्तेमाल किया जाता है और भी हाइड्रोकार्बन और मीथेनॉल को बनाने में तो इसको इस वजह से इसको सिंथेसिस गैस या फिर गैस कहते हैं आजकल कल गैस का प्रोडक्शन गैस प्रोड्यूस हो रही है सीवेज से सॉडस से स्क्रैप वुड से न्यूज़पेपर से जो प्रोसेस है गैस की बनाने की अगर कोल से गैस बन रही है तो उसको कहते हैं कोल गैसिफिकेशन कोल गैसिफिकेशन जैसे कार्बन प्लस हाइड्रोजन कार्बन प्लस वाटर तो क्या बना लेते हैं कार्बन मोनोक्साइड प्लस एच टू तो कोल गैसिफिकेशन में जो सिंग गैस की फॉर्मेशन हो वो किससे हो रही है कोल से हो रही है डाई हाइड्रोजन का प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है जो ये डाईहाइड्रोजन का प्रोडक्शन है इसको इंक्रीज किया जा सकता है बाई रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ द सिंग गैस मिक्सचर विद स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज कैटलिस्ट ठीक है डाईहाइड्रोजन का प्रोडक्शन को इंक्रीज कराना है आपको तो आप क्या करें कार्बन मोनोऑक्साइड ले सिंग गैस मिक्सचर से और इसकी रिएक्शन किससे करा दें आप वाटर से करा दें सिंग गैस मिक्सचर की स्टीम से करा दें स्टीम से करा दें वाटर से, दे. से नहीं स्टीम से कराइए ठीक है सिक्स सेवेंटी थ्री कैलविन और कैटलिस्ट कौन से लेंगे आयरन क्रोमेट इसको कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन और इसी को क्या कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन जहाँ पर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड की स्टीम से रिएक्शन करा दिया और सी ओ टू प्लस एच टू में किया प्रेजेंटली सेवेंटी सेवन परसेंट इंडस्ट्रियल डाई हाइड्रोजन का प्रोडक्शन पेट्रोकेमिकल से होता है अट्ठारह परसेंट कोल से चार परसेंट एक्व सॉल्यूशन से वन परसेंट फ्राम अदर सोर्स ये बस ऐसे डाटा आपको दिखा रखा है तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में